जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, जो हमारी ये सीरीज चल रही है जगमोहन बलोखरा की, अकॉर्डिंग टू 2019 एडिशन, और हम उसका वॉल्यूम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर वन, सो उसी को आगे प्रोसीड करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है हॉट वाटर स्प्रिंग, और हम ग्लेशियर देखेंगे जो अकॉर्डिंग टू जगमोहन बलोखरा में दिए हुए है और दूसरी बुक में जो इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये लगता है बहुत ईजी है, लेकिन कई बार थोड़े क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो हॉट वाटर स्प्रिंग फ्रेंड्स, जो हिमाचल में मोस्टली पाए जाते हैं, होते हैं मतलब, वो है सतलुज और ब्यास वैली में। ये तीन टाइप के वाटर स्प्रिंग है, ऑर्डनरी, मिनरल और थर्मल। ऑर्डनरी जो फ्रेंड कहीं भी मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मल उसका टेम्परेचर होता है। मिनरल जिसमें स्पेशल टाइप कुछ मिनरल हो, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम वगैरह, ऐसे कोई मिनरल। थर्मल फ्रेंड्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, और आज हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्रेंड्स, जो हॉट वाटर स्प्रिंग है उसको ही डेजिग्नेट किया जाता है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर हो, उसको ही हम हॉट वाटर स्प्रिंग बोलते हैं। जो डिफरेंट टाइप के हॉट स्प्रिंग है हिमाचल में वो देखते हैं। पहला फ्रेंड तत्ता पानी, ये मंडी ज़िले में है और सतलुज नदी के किनारे पे ही है, और जो इसका कुछ पार्ट है फ्रेंड्स वो कोल डैम प्रोजेक्ट में सबमर्ज हो गया है। दूसरा है मणिकरण, जो पार्वती वैली में है कुल्लू में। अब मणिकरण का मतलब पता ही होगा, ईयर रिंग्स। और फेमस है फ्रेंड्स ये जो मणिकरण प्लेस है, वहाँ पे हिंदू टेंपल और गुरुद्वारा के लिए। और फ्रेंड्स जो कसोल है, कसोल कुल्लू के अपोजिट में एक निकथन विलेज है, ये वहाँ पे है जहाँ पे ये फर्स्ट एयरपोर्ट बना था एचपी का, भुंतर। ये हमें याद रखना है कि जो एचपी का फर्स्ट एयरपोर्ट है वो भुंतर का है, वह कुल्लू के निकथन विलेज के नियर में, वैशिष्ट कुल्लू में है, ब्यास नदी की इसमें। और फेमस फॉर ऋषि वैशिष्ट एंड लॉर्ड रामा आल्सो। ज्योरिक की नौर में है फ्रेंड्स, उन नाला एक छोटी सी नदी है उसके जस्ट नियर में। खीर गंगा कुल्लू में है और टापरी की नौर में ही है। बस फ्रेंड अब देखते हैं ग्लेशियर फ्रेंड्स, जो हिमाचल में पाए जाते हैं हम उसको ही देखेंगे जो मेन है। ग्लेशियर लोकल लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं शिगड़ी, सबसे जो बड़ा है, लार्जेस्ट, सबको पता ही होगा, वो है बड़ा शिगड़ी, लोकेटेड इन चंद्रा वैली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाहौल स्पीति में सबको पता है कि लाहौल स्पीति में है, लेकिन कौन सी वैली में है ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रा वैली में है। इसमें जो अदर है फ्रेंड्स चंद्रा वैली में जो फेमस है वो है छोटा शिगड़ी भी। बड़ा शिगड़ी और छोटा शिगड़ी दोनों लाहौल में ही है, और चंद्रा वैली में कुलती, शिपलतिंग, डिंगकर्मो, तपन, गैपेंग, शिल एंड बोलुंग एंड समुद्री। अब फ्रेंड्स जो गैपेंग ग्लेशियर है जिसको नाम दिया गया है, ये दिया गया है जो लाहौल का जो देवता उसके नाम पर, जो लाहौल का जिसे मणिपहेश कहते हैं उसके नाम पर ये गैपेंग ग्लेशियर का नाम रखा गया है। और फ्रेंड जो मिलंग ग्लेशियर है ये भागा वैली का है, बाकी ये सारे चंद्रा वैली के हैं। जो मिलंग ग्लेशियर है ये फ्रेंड्स भागा वैली का है। और ये जो कुलती ग्लेशियर है उसके नियर है, जो ये कुलती है फ्रेंड्स जो कोक्सर गाँव है वो इसी वैली में है, इसलिए आप लोग के से याद रखना। कुकती जो अगर पूछेंगे जो कोक्सर गांव है किस ग्लेशियर के नज़दीक में है, तो ये कुलती है, आपको याद रखना है। जो गांव है वो उसका नाम है दार्चा एंड खेकर। और फ्रेंड जो इस मिलंग ग्लेशियर के ऊपर जो सबसे पहले क्लिम करा था, मतलब चढ़ाई करी थी, वो थे नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट 1939 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बढ़ाल ग्लेशियर, ये बड़ा बंगाल कांगड़ा में है। और जो फ्रेंड्स ये बढ़ाल रिवर है, ये है रिवर रावी की
ट्रिब्यूटी है, इसलिए आपको कहते हैं जो बराल रिवर है किसकी ट्रिब्यूटी है, रावी की। लेडी ऑफ केलांग, इसका फ्रेंड्स एल्टीट्यूड 6061 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, लेडी ऑफ केलांग का एल्टीट्यूड कितना है और जिसको लेडी ऑफ केलांग किसने कहा था, इसे लेडी इलेक्शन गेडे इन्होंने इसका नाम दिया था। और लाहौल स्पीति में है तो पता ही होगा, मुकिला ग्लेशियर जो भागा बेली में पाया जाता है 6478 इसका जो एल्टीट्यूड है। और सोनापरी ग्लेशियर, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये ग्लेशियर है ये रोहतांग पास से भी दिखता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखने के लिए फ्रेंड्स, रोहतांग पास से कौन सा ग्लेशियर दिखता है, सोना, सोना ज़्यादा चमकता है इसलिए हमारे को वो जल्दी दिख जाएगा, बस ऐसे आपको को याद रखना है। दुधौन एंड पार्वती सबको पता ही होगा, कुल्लू में है। और ये है फ्रेंड्स वो मियार ग्लेशियर, लार्जेस्ट सबको पता होता है बड़ा शिखर, लेकिन लॉन्गेस्ट ही आपको याद रखना है मियार ग्लेशियर लाहौल स्पीति, इसको बोलने में मियार, इसलिए आपको याद रखना है मियार लॉन्गेस्ट। अब पैड ग्लेशियर, पैड ग्लेशियर फ्रेंड्स वो इसको टूटा हुआ वो भी कहते हैं रॉक मतलब पत्थर, इस ग्लेशियर को पैड ग्लेशियर, और इसमें एक छोटी सी कैव भी बनी हुई है, कैव मतलब छोटी सी गुफा। भागा वैली ग्लेशियर जो मैंने पहले बोला था, मिलंग, मुकिला, लेडी ऑफ केलांग एंड गैगस्टन, ये फ्रेंड्स भागा वैली में आते हैं। जो पट्टन वैली में है वो है शिल्ला, कुकती, लैनघर, दक्षनंद एंड निकांत। फ्रेंड्स ये जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर एंड हॉट वाटर स्प्रिंग थे ये हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जो अगली जो वीडियो होगी वो होगी हमारी बेली और जो पासेज है कुछ इंपॉर्टेंट। बाकी फ्रेंड्स पासेस आपको सबको हमें खुद ही याद करने पड़ेंगे, उसमें ना कोई ट्रिक बनती है, इतने सारे पासेस है तो डेली चार चार पाँच पाँच पासेस हमको याद करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट, स्टे मोटिवेट एंड फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए।